friends. Today we are discussing the syllabus of class 9 CSE board. Physics. आप लोग जो क्लास में पास होकर क्लास 9th में आए हैं वो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिस तरह से वो क्लास 8 में पढ़ते हैं थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करके पढ़ाई करनी है, थोड़ी चेंजिंग लानी पड़ेगी इस तरह। ठीक, जैसे सब कुछ एक ही में पढ़ रहा था, अब क्या है सेपरेट सेपरेट टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको सुशील, मैं आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा और इसमें देखेंगे आप कैसे 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 फिजिक्स में क्या चीज आपको पढ़ना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लास 8 में आपने पढ़ा, वो कैसे पढ़ा वो आप जानते हैं, लेकिन 9th में आने के बाद थोड़ा सा पढ़ने की स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आज इस फर्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज पढ़ना है और थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज की बातें करेंगे हम लोग। ठीक, तो इसमें आपको जो फिजिक्स है इस फिजिक्स में आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है कि पहले तो फिजिक्स की एक कॉपी बना लेनी है, फेयर कॉपी, फेयर कॉपी बोलो रफ कॉपी बोलो चाहे जो कुछ भी, सिर्फ एक ही कॉपी में करना है, कोई अलग अलग कॉपी को यूज नहीं करना है। साथ में मैं लेक्चर के साथ साथ आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक, जिससे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपको किसी भी टाइप की दिक्कत होती है, एनी प्रॉब्लम फॉर एनी टॉपिक्स, देन यू कॉल मी। सो इस फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स की बात करते हैं तो वो होता है क्या आपका मोशन। Equation of motion.
टॉपिक्स है, इसके अंदर भी बहुत सारी सब टॉपिक्स होगी, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन पहले ये बेसिक चीज है जो हमें यहाँ करना है, जानना है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सिस्वाई। ये क्या है हमारा, ठीक है, ये मोशन का पार्ट होता है। फिर दूसरे चैप्टर की बात करो, दूसरे चैप्टर का, तो उसको हम लोग कहते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ही एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर जगह आने वाला है। अभी क्लास 11 हो जाएगा, फिर पढ़ेगा, ठीक, उससे आगे फिर स्टडी करेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, आईआईटी के मेडिकल की, कुछ चीजों की तैयारी अगर आप करते हैं तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर जगह आपसे पूछा जाता है। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज पर, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक। फिर पढ़ेंगे क्या सिस्टम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो आप जानते ही हैं कि थ्री टाइप्स का होता है, ये चीज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे क्या सिस्टम, मोमेंटम, ये देखेंगे, एंड एक लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये चीज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इतनी चीजों को मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब जो यहाँ पे मोशन पढ़े ना, ये मोशन के होने की हम क्या करते हैं, लॉ डिफाइन करते हैं, क्योंकि भाई मोशन होगा, फोर्स लगेगा, उसके लिए लॉ डिफाइन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। और इस चीज को किसी बताया था, न्यूटन, न्यूटन ऐसा, न्यूटन वाज अ वेरी सीरियस साइंटिस्ट, ठीक है ना। इट सी ही वाज वर्क इन द मेनी एरियाज जस्ट टाइक लाइक मैथमेटिक्स। लेट्स से भी न्यूटन ने काम किया ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, काम किया, ठीक है, और उसके बाद लॉ, तो ये जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद चैप्टर आता है हमारा क्या है भाई, ग्रेविटेशन, ठीक, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन का भी सब टॉपिक्स होता है, छोटा छोटा पॉइंट। यहाँ पे एक ही है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। फिर क्या भाई, ग्रेविटी है, ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओके। उसके बाद ठीक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फिर क्या आता है हमारा यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड देन पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज, केपलर्स लॉ, कि उसने की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल किया है उन्होंने लॉस ऑफ प्लेनेटरी मोशन को, यानी प्लैनेट्स, सन, मून को, सन को, अर्थ
इन सब चीज की रोटेशन के बारे में क्या क्या क्लियर किया था, लेकिन उसमें बेसिकली बात किसी की थी प्लैनेट की, इसलिए इसका नाम क्या कहते हैं, ई प्लैनेटरी मोशन, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो उसको लिखने के लिए कौन थे, कैप्टन ने डिफाइन किया था। इस बात को हम लोग थोड़ा और देखेंगे, स्टडी करेंगे। फिर ग्रेविटेशन के साथ ही इसी में एक छोटा सा पॉइंट होता है, लेकिन मैं अलग से उसको कर देता हूँ। प्रयोग जो है थ्रस्ट एंड प्रेशर, लेकिन इन
सबके साथ साथ हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पेपर में आता है, कहीं भी कोई भी क्वांटिटी आप करेंगे, कुछ भी वर्क करेंगे, गुड़ा वाला समथिंग, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसको मेजरमेंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। इसलिए हम लोग को पढ़ना है क्या, सिस यूनिट्स एंड ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था कि यूनिट एंड मेजरमेंट क्या चीज होता है। यूनिट मेजरमेंट, क्योंकि भाई आप मोशन करोगे, मोशन को पढ़ोगे तो इसके अंदर डिस्टेंस आया, डिस्प्लेसमेंट आया, वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन आया, ये सब चीज यहाँ पे फोर्स आ रहा है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, इन सब चीज को यहाँ पे मोमेंटम आ गया, इस मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, वैसे यहाँ पे वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, पावर है, इन सब चीजों को अगर हमें देखना है उसकी कि कैसे टाइप्स की क्वांटिटीज है, क्या है उसका यूनिट कहाँ से आता है, तो उस चीज को स्टडी करने के लिए हम पढ़ना है गैसेस, यूनिट एंड मेजरमेंट। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, जब किसी चीज को मेजरमेंट ही नहीं कर पाए तो क्या होगा। इसलिए आपको पहले क्या करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट डिस्कस करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट आपको एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट के साथ हम पढ़ेंगे क्लासेस आपका मोशन, मोशन आपको तीन से चार क्लास, तीन क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन जो हो जाएगा चार क्लास, उसके बाद ग्रेविटेशन जो होगा तीन क्लास, ठीक, फर्स्ट एंड प्रेशर एक क्लास, उसके बाद वर्क और एनर्जी तीन क्लास और साउंड चार क्लास, कुल मिला के चार तीन सात एक आठ अधिक से अधिक 15 दिन में आपका टॉपिक हो जाएगा सारा कंप्लीट।